गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स योर मोस्ट वेलकम इन साइंस क्लासेस जौनपुर तो डियर स्टूडेंट्स आज हम आप लोगों को इस वीडियो में समझाएंगे डिफिनीसन ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी की क्या डिफिनीसन है करेक्ट डिफिनीसन क्या है किसको आप हमेशा बता सकते हैं और लिख सकते हैं एक ही डिफिनीसन हम बता रहे हैं इसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं तो हम बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं देखिए बायोलॉजी व्हाट इज द बायोलॉजी या बायोलॉजी क्या होती है द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस यानी साइंस की ब्रांच विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइफ जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस साइंस की ब्रांच विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइफ जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं जिसे आपका जो है एक लाइन की डिफिनीशन है कि हम क्या कहते हैं बायोलॉजी को क्या बोलें द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइफ जो लाइफ के बारे में स्टडी करती है या कराती है या जिसमें हम करते हैं वो क्या है साइंस है यानी कि चाहे वो जो है आपका प्लांट है चाहे एनिमल है जो कुछ भी है यहाँ पर लाइफ के बारे में बात किया गया है लाइफ ने जिसमें जीवन हो जिसमें जीवन हो द वर्ड बायोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बायोलॉजी डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड यहाँ पर जो है कैपिटल रहेगा नाउन है ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी द वर्ड बायोलॉजी जो वर्ड जो बायोलॉजी है जो वर्ड बायोलॉजी है डेराइव्ड किया गया कहाँ से डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस यह बायोस और जो है लोगोस को मिलाकर डेराइव किया गया है बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी जो आपका बायोलॉजी वर्ड है वो डिराइव किया गया है बायोस प्लस बायोस प्लस लोगोस वर्ड से बायोस का मतलब होता है लाइफ लोगोस का मतलब होता है स्टडी दोनों को मिलाकर क्या हो गया बायोलॉजी यानी जिसमें हम लाइफ का स्टडी करते हैं वही क्या होती है बायोलॉजी होती है इन जनरल बायोलॉजिस्ट स्टडी जनरल रूप से बायोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं स्टडी द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं बनावट मतलब कैसा बनावट होता है फंक्शन फंक्शन मतलब कार्य फंक्शन मतलब कार्य की स्टडी करते हैं ग्रोथ यानी कोई भी प्लांट या एनिमल जैसे भी ग्रोथ करता है जिसमें लाइफ होती है उसके ग्रोथ की बात करते हैं हम जिसमें लाइफ होती है उसी के ग्रोथ की बात करते हैं उसी के फंक्शन की बात करते हैं उसी के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं और उसी के ओरिजिन्स की बात करते हैं ओरिजिन्स मतलब उत्पत्ति ग्रोथ मतलब जो है बढ़ना इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास यानी कि धीरे धीरे जो आपके ह्यूमंस है या फिर जो भी आपके प्लांट एनिमल्स है उसमें जो भी आपका जो है सीरियल वाइज जो है डेवलपमेंट होता है तो स्टेप टू स्टेप इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन्स या चेंजिंग्स जो होती है आप उसी से समझ सकते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी चेंजिंग होती है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ग्रोथ है उनकी जो ओरिजिन है उनका जो एवोल्यूशन है इसी को हम पढ़ते हैं किसमें बायोलॉजी में तो आप अपने भाषा में या फिर अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ़ लाइफ इसको क्या कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं अगर आप और थोड़ा सा दो एक बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा द वर्ड बायोलॉजिस्ट डेराइव्ड फ्राम ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस स्टडी इन जनरल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शन ग्रोथ ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये आपकी परफेक्ट डिफिनीशन है बायोलॉजी की तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच